हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप हमें भी गाड़ी में बैठे देख रहे हो। ये वीडियो गाड़ी में शूट होने वाली नहीं थी, बट आज थोड़ी ठंड ज़्यादा है एंड अब जिसको थोड़ा कोल्ड है, इसलिए वी डिसाइडेड टू शूट दिस वीडियो इन द कार। बट आज की वीडियो का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब एंड अ फुल टाइम नॉर्मल जॉब। तो हम ये वाली वीडियो अब इसलिए बना रहे हैं और पहले इसलिए नहीं बनाई थी बिकॉज हमें कॉन्ट्रैक्ट जॉब का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब सिमरन हैज़ एक्चुअली मूव फ्रॉम हर फुल टाइम जॉब इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब। तो अब हमें पता है, अभी आपने अगर हमारी वीडियो देखी थी पीछे कुछ दो महीने पहले, तो वी वर सेइंग दैट क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है तो सिमरन इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। सो सिमरन फाइनली चेंज्ड हर जॉब एंड नाउ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब एंड देर आर कुछ फायदे एंड कुछ नुकसान एंड वील टॉक अबाउट 4 points related to the differences that we have between full-time and contract job. अब contract jobs भी दो तरह की होती हैं। पहला is कि आप उस company में contract की job की तरह कर रहे हो जिन्होंने वो role अभी शुरू किया है, they don't know whether इस role का future क्या है, so they hire you as a contract, but आपको बहुत सारे benefits उसमें मिलते हैं। उसमें सारे benefits same होते हैं। मेरी जैसे Walmart में जब job शुरू हुई थी, it was a contract job for 1 year, वो नाम के लिए contract था, मेरे को कोई incorporation नहीं बनानी थी, मेरे को सारा tax cut के आता था, सब कुछ एक normal salary की तरह था, it was just time bound, वो एक साल का contract था, they'll see whether they need the role for long term, and then they will just, you know, either continue with that or make it full time or ऐसे, so that is almost like a full time job, it's not a contract job, you know, किसी भी उसमें। दूसरे टाइप की इस जो मैं कर रही हूँ, मैंने आई मेड एन इनकॉर्पोरेशन एंड उसमें मेरी जितनी इनकम है मेरी इनकॉर्पोरेशन में आएगी एंड माय फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली माइट हैव एन एंड डेट, बट मेरे फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट में देर इज नो एंड डेट। दिस इज द सेकंड टाइप। एंड गाइस, बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं दे आर नॉट स्टेबल एंड आई कंप्लीटली अग्री दे आर नॉट स्टेबल एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बट टू बी ऑनेस्ट इवन अ फुल टाइम जॉब में भी इट्स नॉट वेरी स्टेबल बिकॉज दो हफ्ते में कोई भी आपको निकाल सकता है जॉब में से। सेम विद कॉन्ट्रैक्ट जॉब, द ओनली डिफरेंस इज वो दो हफ्ते की जगह अगले दिन निकाल सकते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंट। अदरवाइज यू नो आई हैव सीन कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स एक्चुअली गेटिंग एक्सटेंडेड ईयर ओवर ईयर, बट यू नो जो जॉब सिक्योरिटी होती है, टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट देयर इन एनी जॉब इन कैनेडा बिकॉज 2 weeks इज ऑल इट टेक्स फॉर यू टू गो। तो इस वीडियो में हम जो कंपैरिजन करेंगे दैट विल बी अ फुल टाइम जॉब एंड अन कॉन्ट्रैक्ट जॉब विच इज़ विद इन एन इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब है तो प्लीज़ मेक एन इनकॉर्पोरेशन बिकॉज द टैक्स बेनिफिट्स देयर आर रियली गुड एंड वील डिस्कस दैट इन आर थर्ड पॉइंट। सबसे पहला डिफरेंस इज पे। ओके, सो फुल टाइम जॉब्स पे वेल बट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स पे रियली वेल, so that's one of the biggest differences when people choose to move to contract jobs, like salaries are much higher when you go in a contract job. और सैलरी हाई इसलिए होती है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं कम होते हैं, वो हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे क्या क्या बेनिफिट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बट इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, स्पेशली इफ़ यू आर एन आईटी कॉन्ट्रैक्टर, अब मेरे रोल जो मार्केटिंग का रोल है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं बट वो कम होती हैं, बट इफ़ यू आर एन आईटी कॉन्ट्रैक्टर यू कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 25% टू 100% मोर, सो सैलरी जो होती है वो ऑलमोस्ट डबल हो सकती है इफ़ यू मूव ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब। फॉर इंस्टेंस $75,000 is almost $35 to $37 an hour, but contract job जो average होती है that's about $50 to $60 an hour, इतना ज़्यादा difference आ जाता है, and therefore you know जब महंगाई ज़्यादा हो तो obviously it makes sense to move into a contract job that pays a little bit more and therefore your expenses are balanced. Number two point comes difference का जब हम बात करते हैं तो benefits। अब अगर जब full time job हो तो benefits होते हैं जैसे medical covered होता है, डेंटल कवर्ड, लाइक डेंटल कम्स इन द मेडिकल अगेन, ईआई बेनिफिट्स मिलते हैं कभी कभी, आरआरएसपी यू नो मैचिंग होती है एम्प्लॉय करता है, सीपीपी में पैसा जाता है, सो वो सब बेनिफिट्स होते हैं व्हेन यू आर ऑन अ फुल टाइम जॉब। तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है उसके अंदर ये सारे कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं। अब ये वीडियो की एंड में ना, अगर आप एंड तक ये वाली वीडियो देखो तो आई विल एक्चुअली गिव यू अ ब्रेकडाउन ऑफ क्या फ़ायदे क्या नुकसान इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो होते हैं बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अ फुल टाइम जॉब। बट बेनिफिट्स यहाँ पे सिमरन के एकदम जीरो हो गए हैं, देर आर नो ईआई कोई कट नहीं हो रही। ईआई फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो इट्स कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एम्प्लॉई इंश्योरेंस बोलते हैं, बेसिकली अगर हमारी जॉब चली जाती है तो गवर्नमेंट पेज $2,000, वो बेनिफिट बिल्कुल खत्म हो जाता है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सो नाउ वी आर पेइंग $289 फॉर द बोथ ऑफ अस टू मैच द बेनिफिट्स जो हमें फुल टाइम जॉब में थे, $289 पर मंथ। इट स्टिल मेक्स सेंस बिकॉज सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, $289 इतने पिंच नहीं होंगे, एंड
ये हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे, दिस इज ऑल्सो अ टैक्स डिडक्टेबल। एक जो बेनिफिट मैंने मिस करा था वॉज की फुल टाइम जॉब में आपकी जो लीव्स होती है वो पेड होती हैं, बट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब योर लीव्स आर नॉट पेड। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है विच लाइक यू नो स्टॉप्स अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मूविंग टू कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। एंड वैसे सिमरन का थोड़ा डिफरेंट है, सिमरन को तब भी थोड़ी सी लीव मिली है, सो नॉट ऑल कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स विल नॉट हैव लीव्स। जैसे सिमरन को 10 लीव्स शायद मिली हैं या 12 लीव्स हैं, व्हिच इज ऑलमोस्ट द सेम एज अ फुल टाइम जॉब, सो दैट्स यू नो अपॉन द कंपनी पॉलिसी। तो सिमरन की थोड़ी सी बेटर कंपनी है यू नो बाय द लुक ऑफ इट, एंड देयरफॉर दे हैव गिवन हर पेड लीव्स, बट यूजुअली देयर आर नो पेड लीव्स इन कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। तो वो हो गए बेनिफिट्स जिसकी वजह से इट मेक सेंस, स्पेशली जब हम आए थे सिमरन की कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी तब यू नो शी वाज एक्चुअली जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसे मिलेंगे, बट थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए होती है व्हेन वी फर्स्ट कम हियर। नाउ दैट वी फील सेटल्ड आई थिंक यू नो इट्स ओके टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ इनस्टेबिलिटी। थर्ड चीज जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जॉब विच इज टैक्स, एंड ये इतना बड़ा बेनिफिट है कि दिस अलोन actually justifies every other con that you have. Number 4 point mein mortgage ke bare mein discuss karenge, there's a very big con which is mortgage iske andar, but tax deduction itni zabardast hoti hai. For example, if you are earning $75,000, your tax was 25-26% tax cut ke aayega already, so you actually get your net income after the tax deduction has happened, after the CPP, after all you know all the things that have gone to the government. Yes, but when you are on contract job, your tax is deducted after you do your expenses, after the entire year has gone. Aapko jitne paise $60 par aa raha hai wo sare ke sare incorporation mein aayenge. Ab I'll explain this with an example jinko thoda sa hai chahiye. So jaise for example meri incorporation hai, if I am buying a device, if I am buying a laptop for myself, मैंने वो लैपटॉप का प्राइस पूरा दिया, अब मेरे जित सपोजिंगली 100,000 सैलरी है तो उसमें से मुझे लैपटॉप की कॉस्ट निकालनी है सपोजिंगली $5,000, तो मुझे टैक्स जब मैं पे करूंगी तो अपने सारे एक्सपेंसेस तो मैं $95,000 पे टैक्स पे करूंगी इंस्टेड ऑफ द $100,000, विच आई थिंक इज अ वेरी बिग बेनिफिट। एंड तभी आप देखते हो फ्लाइट के अंदर बिजनेस क्लास टिकट्स में लोग बैठते हैं, बिजनेस क्लास में इसलिए करते हैं बिकॉज वो इनकॉर्पोरेशन के अंदर बिजनेस क्लास को टैक्स डिडक्टेबल दिखाते हैं, तो वो अपने ऊपर पहले खर्चा करते हैं एंड देन गिव व्हाटएवर इज लेफ्ट टू द गवर्नमेंट, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड दैट्स हाउ यू नो ऑल दीज इनकॉर्पोरेशंस यू नो आर एबल टू बाय एक्सपेंसिव कार्स एंड बाय एक्सपेंसिव स्टफ बिकॉज इट्स अ टैक्स डिडक्टेबल एंड दे ओनली पे टैक्स। एंड ये बहुत सारे लोग अभी नीचे ना कुछ कुछ ऐसे भी लिखेंगे लोग कि अरे ये टैक्स बचा रहे हैं, ये वाली वीडियो CRA को भेज दो, बिल्कुल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अ टैक्स लैब गिवन बाय CRA, सो इट्स नॉट समथिंग दैट्स इलीगल। अगर आप अकाउंटेंट, और हमारे बोलने में मत जाओ, एक अकाउंटेंट, वी हैव अ CPA, यू नो, सो दैट CPA एक्चुअली यू नो टेल्स अस कि कितना कर सकते हैं। बहुत आप जैसे हम अगर मॉर्गेज देना है पूरी मॉर्गेज डिडक्ट नहीं कर सकते उसमें से क्योंकि हम घर से काम कर रहे हैं, राइट, सो देर आर लीगैलिटीज, देर आर यू नो सम थिंग्स दैट यू कैन एंड कैनॉट डू, एंड वो एकदम उसी बाउंड्स में रह के करना होता है, बट स्टिल द टैक्स डिफरेंशियल इटसेल्फ जस्टिफाइज दैट बिकॉज यू पे 25-40% टैक्स व्हेन यू आर सैलरीड वर्सेस 10-12% टैक्स, 12.5% टैक्स, इनफैक्ट इट्स 12.2% नाउ इफ यू हैव एन इनकॉर्पोरेशन। नंबर 4 डिफरेंस पे बात करते हैं विच इज मॉर्गेज। अब अगर आपकी फुल टाइम जॉब है एंड देन तो मॉर्गेज इज़ वेरी इजी टू डू, मतलब पता है कि ये बंदे की बैंक्स को भी भरोसा होता है कि ये उसकी फुल टाइम जॉब है एंड ही विल बी गेटिंग पेड यू नो मॉर्गेज, तो बैंक्स के पास भी सॉर्ट ऑफ एक इंश्योरेंस हो जाती है। बट कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई एम अ मॉर्गेज ब्रोकर नाउ, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस द बैंक, एंड कन्विंस क्या वो तो होते भी नहीं है, एंड यू नो देर आर अदर वेज ऑफ डूइंग अ मॉर्गेज एंड नॉट इलीगल, अगेन देर आर लीगल वेज ऑफ डूइंग अ मॉर्गेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट, बी लेंडर्स होते हैं, सब कुछ होता है, दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू हैव अ वन ऑन वन यू नो कॉन्वर्सेशन, बट मॉर्गेज बिकम्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट इफ यू आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब, इफ यू आर इन एन इनकॉर्पोरेशन एंड वहाँ से हम सैलरी ले रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं उसको मैनेज, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू कैन ईदर सेव टैक्स और सेव इंटरेस्ट ऑन योर होम, यू नो इट्स जस्ट द सिंपल हार्ड ट्रूथ। इफ यू आर इन एन इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का जो रूल होता है मॉर्गेज का, इट्स वेरी सिंपल, यू नीड 2 years ऑफ इनकम इन योर इनकॉर्पोरेशन एंड ओनली देन, एंड वो भी नेट इनकम होनी चाहिए, अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा रहे हो तो आपकी ऑब्वियसली टैक्सेबल इनकम कम है एंड देयरफॉर यू आर एलिजिबल फॉर अ लॉट लेस, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर मैनेजिंग योर टैक्सेस, बट 2 years ऑफ इनकम हमें इनकॉर्पोरेशन चाहिए होती है, इनकॉर्पोरेशन इनकम, या फिर
यू एक्चुअली गो टूवर्ड्स एन ऑल्टरनेट लेंडर, जिसको बी लेंडर्स भी कहते हैं, एंड दे एक्चुअली टेक सिक्स मंथ्स ऑफ इनकम इन द इनकॉर्पोरेशन, एंड देयर इज अ लॉट मोर लीवे दैट वी कैन हैव, बट उसके भी नुकसान होते हैं, यू हैव टू डू अ 20% डाउन पेमेंट एंड स्टफ लाइक दैट. बट स्टिल आई फील ओवरऑल येस, ये मॉर्गेज अगर घर लेना है तो फुल टाइम जॉब हो तो बेटर रहता है, बट वंस योर हाउस इज सिक्योर आई स्टिल फील दैट 100% बेनिफिट, यू नो, जो बेनिफिट्स नहीं है और वो सब ठीक है, बट पे एंड टैक्स डिडक्शन जो होती है, दोज टू इटसेल्फ जस्टिफाई द लैक ऑफ बेनिफिट्स एंड द लैक ऑफ मॉर्गेज. यस. अब गाइस, इस चीज को पूरे को समझने के लिए लेट्स जस्ट गो टू माय लैपटॉप एंड लुक एट ऑल द नंबर्स एसोसिएटेड विद इट, एंड कितना फायदा एक्चुअली होता है इफ यू आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस अ फुल टाइम जॉब, माइनस द मॉर्गेज पॉइंट, बट अदरवाइज लेट्स जस्ट लुक एट द नंबर्स एंड अंडरस्टैंड हाउ मच मनी यू कीप. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर, यू नो, लिविंग इन कनाडा, हाउ मच मनी यू कीप आफ्टर टैक्स, एंड लेट्स जस्ट गो टू माय लैपटॉप एंड अंडरस्टैंड दैट. Alright guys, so quickly let's just make a comparison between a full-time job and a contract job and कुछ numbers डालते हैं इसमें. For example, if the income was exact same in a full-time job versus a contract job, $75,000, the difference is that you can write off expenses in a contract job, जो कि अभी यहाँ पे $15,000 दिए, जैसे मैंने अपना लैपटॉप खरीदा वर्क के लिए, I traveled, you know, for work, or I, you know, bought some stationery, so वो सब write-offs जो हैं you can actually make as expenses. Whereas you cannot do that in a full-time job because हमारे को जो income मिलती है that is after tax. Taxable income जो हो जाएगी in a full-time job is $75,000, whereas on a contract job it will be $75,000 minus $15,000 which is $60,000. जो income tax है that is also higher in a full-time job, it's about 25-26%, whereas on a contract job because it's running through an incorporation it will be 12.5%, so it will be less than half. उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं वो ऑब्वियसली इंक्लूडेड होते हैं फुल टाइम जॉब में, बट यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर मेडिकल बेनिफिट्स. फॉर एग्जांपल, वी आर पेइंग $289 अ मंथ फॉर द टू ऑफ अस, तो ये $3,600 का जो खर्चा है ये एडिशनल होगा इन अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब विच विल नॉट बी देयर इन अ फुल टाइम जॉब. But you get to keep $56,250, and if you earn the exact same money in a contract, you actually keep $63,900. This is basically $75,000. Minus $7,500, minus $3,600, you actually get to keep more than $7,000 more. Now, obviously, because you switched from a full-time job to a contract job, it definitely pays you higher just in the case of Simran. So, $100,000, agar hum assume karte hain contract, you will see all the numbers will start to make a lot more sense. This $25,000 increase in gross income will actually translate into almost $30,000 increase in net income. This is the income that you keep, and again, it's because it's taxed at 12.5% because it's running through an incorporation, and your taxable income is $100,000 minus the expenses that you write off, and you are taxed a lower percentage on a much lower amount, and that's the reason why you keep a lot more. So as you can see, numbers we say contract jobs are sometimes better, and it's a personal decision whether you want to continue doing a full-time job or a, you know, कॉन्ट्रैक्ट जॉब. एंड हमने भी ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया. इट एक्चुअली टुक मी 3 months टू फाइनली डिसाइड कि हाँ, हम कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर सकते हैं, इट विल मेक सेंस फॉर अस. तो टेक दैट डिसीजन सोच समझ के एंड नॉट जस्ट बिकॉज वी सेट इट. आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू, यू नो, मेक अ डिसीजन विद यू वॉन्ट टू कंटिन्यू डूइंग अ फुल टाइम जॉब और अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.